बात है कल्पेश भाई साहब, क्या हुआ है? सुना है चोरी हो गई आपके यहाँ? कैसे? कैसे? कि हमें नहीं, आपकी लाडली बेटी से पूछिए। हम तो इसके भरोसे अपना पूरा घर छोड़कर चले गए थे, पर न जाने ये महारानी क्या गुड़ खिला रही थी। एक मिनट बहन जी, आप ठंड रख सकता हूँ, पहले सुन तो ले क्या हुआ है। देखिए ताई जी, जो कुछ भी हुआ इसमें मोना जी की अकेले की कोई गलती नहीं, मैं भी तो घर पे था, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था ना। चुप कर तू, जब देखो बीवी की तरफ तारीफ करता रहता है। देखिए बहन जी, हम नहीं जानते गलती किसकी है, लेकिन अगर गलती मोना की है भी तो भी उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना, बच्ची है, हो गई होगी गलती। आप लोगों ने ही अपनी बेटी को बिगाड़ कर रखा है, उसकी हर गलती छिपाने के बजाय अगर आपने उसे डांटा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हाँ, पर मेरा 80,200 का हार चोरी नहीं होता। अरे बीजल, 80,200 का तो सिर्फ तेरा हार था, बाकी गहने गाठे कपड़े जो चले गए उसका हिसाब अलग। भाई साहब, कम से कम 2.5-3 लाख की चपत लग गई हमारी बहुरानी की वजह से। 2.5 लाख ना? तो रुकिए, आप लोग एक मिनट रुकिए। काम कहाँ जा रहा है तू? देखिए मैं आप सबको तब से समझा रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है इसमें मोना जी की अकेले की कोई गलती नहीं है, इस चोरी का जिम्मेदार मैं भी उतना ही हूँ जितना कि वो। मैं घर पे था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो कुछ भी कह ले, मैं नहीं मानने वाली। गलती मोना की है, उस पर भरोसा मैंने किया था, उसे जिम्मेदारी सौंपी थी, पहली बार भरोसा किया था। बताइए बहन जी, कितना नुकसान हुआ आपका? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख? क्या कर रहा है तू सुनना? बताइए भाई साहब, अपनी बच्ची के लिए मैं 3 लाख तो क्या, 30 लाख भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। ये लीजिए, अपनी बेटी के लिए मैं हर्जाना भरने को तैयार हूं, वो मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है वो। गलत, गलत बात है ये सतनाम। मोना हमारे घर की बेटी जरूर है, लेकिन इस घर की बहू भी है वो, इन लोगों की जिम्मेदारी है वो। अगर वो गलती करती है तो इन लोगों को पूरा पूरा हक है उसे सजा देने का। दादी, सतनाम अंकल, अंबाजी पापा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोना जी मेरी बीवी है, शादी की है मैंने उनसे। अगर आप सबसे पहले वो किसी की जिम्मेदारी है तो वो मेरी है। कोई का हार चोरी हुआ है ना, उसके पैसे मैं भरूंगा। शाबाश अलोका, इसे कहते हिम्मत। और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान बनाए रखो। वाह, मेदी साहब, मां साहब, सतनाम ने जो भी हरकत की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अरे ये क्या बोल रहे हैं दाजी, ऐसा ना बोलिए, सब ठीक हो जाएगा। और कहा सुना, माफ कर दीजिए। चलो गुरनाम, सतनाम, करण पुत्र, चलो। वैसे खबर ना हो तो कह दू, भाई एक बात की तो तारीफ करनी होगी अनु की, तो ससुराल वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अम्मा जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अनुकल, नाश्ता तो करते जाओ, भूख मर गई। एकम शास्त्र देवकी पुत्र। आज पहली बार मेरा बेटा भूखा ऑफिस गया।